मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज योर रिवीजन मॉड्यूल। आज हम लोग करेंगे रिवीजन लेसन 1, 2, 3। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस एंड जहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो वो सारी चीजें मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी रिगार्डिंग टेस्ट। दिस इज योर रिवीजन मॉड्यूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ For example, there is a question, place value, right? So now, place value of 9 in this number. What is the place value of 9 here? Yes, students, you can tell me answer quickly, quickly, fast, tell me. That is 9,000. Kitna hai? 9,000. You can see here, this is 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 and lakh, right? So 9 की place value क्या है? 9,000. For example, if we have like 2, 4, 6, 7, 8, 9, this is a number, right? अब इसमें भी हमें 9 की value बतानी है. So what will be the place value of 9 here? 9. Ones place pair. For example, there is a number 4, 8, 9, 3, 0, 6, 4, 5. ये number है, ठीक है? So now, what is the place value of 9 here? 9, 0, 0, 0, 0, 0, right? You can see 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakh. It's 9 lakh. Clear? ऐसे हम क्या करते हैं? Place value निकालते हैं, right? So here the place value of 9 is 9,000. Clear? इस type का question आ सकता है आपके exam में. Now, what is expanded form? For example, there is number 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, इस टाइप का नंबर दिया है. अब हमें इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है. ठीक है, कैसे करते हैं? दिस इज 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 and lakh. सो सबसे पहले हम इसको 2 कहां पे? लाख के प्लेस पे. तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले? 2 लाख प्लस, प्लस इज मस्ट, प्लस के सिंबल मस्ट है. देन 30,000 + 4,000 + 500 + 60 + 7. ये होता है एक्सपैंडेड फॉर्म. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म. अब अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो दिस विल बी 2,34,567. ये हो गया शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? एक्सपांडेड फॉर्म. क्लियर? ओके, व्हाट इज प्रीडेसर एंड सक्सेसर? ठीक है, प्रीडेसर मींस -1, सक्सेसर मींस +1. गॉट इट? नाउ फॉर एग्जांपल, देयर इज अ नंबर 2,346. ठीक है, ये नंबर है. अब हमें इसका प्रीडेसर भी बताना है, सक्सेसर भी बताना है. प्रीडेसर कैसे बताएंगे? प्रीडेसर मींस -1, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1. एक्चुअली व्हाट इज प्रीडेसर? प्रीडेसर मींस बिफोर, इट मींस बिफोर. सक्सेसर मींस आफ्टर. ठीक है, सो व्हाट इज द बिफोर नंबर ऑफ दिस? 2,345. एक पहले -1 करेंगे, क्या आएगा? 5. What is the successor of this number? 2,347. क्या करेंगे हम? +1. This is predecessor and successor. So now let's do it. One more question. 4, 3, 6, 7, 9, 2. ठीक है, ये नंबर है. अब हम इसका predecessor इधर लिखेंगे and successor इधर. Now predecessor means -1. So 4,36,791. Now successor, इसके बाद क्या आता है? तो 4,36,793, right? So successor means +1, predecessor means -1. Clear? All right. Now this kind of questions are going to come, right? This kind of question is really going to come, like 43 × 30 × 20 × 0. जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, हम चाहे कितने भी बड़े नंबर लिख लें, इफ देयर इज अ सिंगल जीरो, सो व्हाट विल बी द आंसर?
Zero. Remember it. What will be the answer? Zero. क्या आंसर होगा? Zero. जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, we get zero. Right? Like, for example, here is a number where you have to find out this minus this is equals to 81. अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, simply quickly कुछ मत सोचना, just add these two number. इन दोनों नंबर को क्या करोगे? Add कर दोगे. फटाफट add करके you will write the correct answer. ठीक है? For example, I'm doing 108575 plus 81. अगर हम इसको add कर देंगे, we will get the answer. 5 plus 1, 6. 7 plus 8, 15. So now we have got the answer 108656. ठीक है? अब इसमें से minus करेंगे वो number, तो हमें 81 आ जाएगा. So simply फटाफट हम quickly add कर देंगे दोनों number. Now again 54 multiplied by 7 multiplied by 0. जब भी 0 है, what we will get? 0. Now add these two number. क्या करेंगे? Simply you will write like this. 56437 and 4536. अपने नोटबुक में फटाफट क्वेश्चन लिख के आप ऐड करके आंसर लिखोगे, टिक करोगे. आई मीन ना अंडरस्टैंड द सिंप्लीफाई, दैट इज डी मास. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है? सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज नो डिवाइड साइन, देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट? एडिशन. सो लेट्स स्टार्ट. 7 प्लस 19, यस, हाउ मच वी आर गेटिंग? यस. सो नाउ फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐड. सो 7 प्लस 19 वी गॉट 26. नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट नंबर, दैट इज माइनस 11 plus 13. Okay, alright. When we were having that class, I have told you, जब यहाँ कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? That's a plus sign. जब कोई साइन नहीं होता, कौन सा साइन होता है? Plus sign. Right? So understand this. So now next step will be, we will add 26 and 13. 26 plus 13 कितना होगा? 6 plus 3, 9. 2 plus 1, 39. Minus 1. हमने किन दोनों को ऐड किया? इन दोनों को. क्यों किया? बिकॉज ये दोनों प्लस सिंबल है, दोनों का सेम सिंबल है. और जब ये माइनस 11 है, तो हम इसको लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है? सो नाउ वी गॉट 39 माइनस 11. वी हैव डन एडिशन टू टाइम्स, बिकॉज देयर वर टू टाइम्स एडिशन साइन. नाउ सब्ट्रैक्शन. 39 माइनस 11 इज 28. वी गॉट द आंसर. Right? We have used D mass. Now, question 2. 12 minus 6 multiplied by 2. Divide sign nahi hai, but multiply hai. So, let's do it. 12 minus 6 2's are 12 plus 4. Now, you can see, yaha plus sign hai. When there is no sign, that means plus sign. So, 12 plus 4, yes, that is 16. Yes? 12 plus 4 is 16, minus 12 is left. हमने किन दोनों को ऐड किया? 12 और 4 को ऐड किया. Why? Because they have the positive integer. ये वो दोनों क्या थे? Positive integer. Right? So now 16 minus 2, 12. Right? Minus करेंगे. 6 minus 2 is? Yes, 6 minus 2 is 4. We got 4 as an answer. So, जब भी सिंप्लीफाई क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू यूज डी मास. आपको क्या यूज करना है? डी मास. एंड देन आपको अपनी कॉपी यूज करनी होगी, फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. सॉल्व करने के बाद फटाफट आपको आंसर पे क्लिक करना होगा. गॉट इट? ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर? दिस वी हैव रेड ड्यूरिंग दिस टाइम. So, I have given you the revision modules also. सारे लिंक दिए हैं ओपन करके, जहां कंफ्यूजन है आप देख सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सब कुछ करो. एंड रिवाइज दीज प्रॉपर्टीज वंस अगेन. व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड. ठीक है? जब हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मल्टीपल. ठीक है?
नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? नंबर इटसेल्फ. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर. फोर्थ पॉइंट, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर एंडलेस. आई हैव टोल्ड यू, हम कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट. नाउ मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स, यू नो दिस. एंड विच आर नॉट कमिंग इन टेबल ऑफ टू, दे आर ऑड नंबर्स, राइट. नाउ व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स आर द नंबर दैट वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. फॉर एग्जाम्पल, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12. सो 12 क्या है? प्रोडक्ट. सो इट्स अ मल्टीपल. एंड ये दोनों क्या है? फैक्टर. किसके? 12 के. किसके फैक्टर है? 12 के. सो द नंबर विच वी आर मल्टीप्लाइंग, जो दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, राइट. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स आर, 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. और सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1. सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? नंबर इटसेल्फ. ये सारी पॉइंट्स को याद जरूर करना, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ सकते हैं. अ नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर. आई टोल्ड यू अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, खुद का फैक्टर होता है. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन. अब फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो उसके इक्वल, उस नंबर के इक्वल, या उससे छोटे होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट टू फैक्टर. कम से कम दो फैक्टर तो होते हैं, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. बट द नंबर 1 इज एक्सेप्शन. 1 इज अ यूनिक नंबर. 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 होता है, राइट. सो दीज आर द फैक्टर्स. नाउ डिविजिबिलिटी रूल, जस्ट रिवाइज वंस अगेन. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? लेट्स लीव इट, वी विल डू लाइक दिस. What is the divisibility rule of 2? 2, yes, 0, 2, 4, 6, 8. अगर ये 5 number end में है, that means 1's place पे है. So, the number is divisible by 2. Clear? कोई भी number 2 से तभी divide होगा, जब उनके 1's place या end place पे अगर number है 0, 2, 4, 6, 8, तभी वो divisible होगा. ठीक है? Now, what is the rule of 5? 5 का रूल होता है, अगर 1's प्लेस पे 0 है या 5 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है और 5 है, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10? 10 का रूल होता है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तभी वो डिविजिबल होगा 10 से. क्लियर? नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3. 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वी नीड टू एड ऑल द नंबर. सारे नंबर को हम एड करते हैं और जो आंसर आता है, क्या वो टेबल ऑफ 3 में आता है? क्या वो 3 की टेबल में आता है? अगर आता है तो यस इट इज डिविजिबल, नहीं आता तो नो इट इज नॉट डिविजिबल. क्लियर? नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 9. 9 की अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट वी नीड टू एड ऑल द नंबर्स और जो आंसर आएगा, इफ दैट नंबर इज कमिंग इन टेबल ऑफ 9, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है, सो दैट्स द रूल. Let's do it. Just see you on the board. Clear? Understood? All right. Now, for example, there is a number 345. Now, tell me. Ab humne kya kya rule padhe? 2, 5, 10, 3, 9. Ab 345 kaun kaun se number se divisible hai? Mujhe batao. Aap sab log? Yes, fast. Is it divisible by 2? No. Is it divisible by 5? Yes. क्यों? Last digit पे क्या है? 5. 10 से होगा? नहीं, क्योंकि last place पे 0 नहीं है. 3 से होगा? Just add first 5 plus 3 plus 4. Just add. Tell me the sum. 3 plus 4 plus 5 is equal to how much? Yes, 12. So yes, 12 is coming in table of 3, so yes, it is divisible by 3. Do 12 come in table of 9? Kya 9 ki table mein 12 aata hai? No. So it's not divisible by 9. So 345 is divisible by 5 and 3. In dono number se divisible hai. Got it? Okay. Now, write the first 5 odd multiples of 7. Odd multiple. What are the odd numbers? That is
1, 3, 5, 7, 9. ये क्या है? Odd multiples or we can call it odd numbers. So हमें क्या निकालना? Write the first 5 odd multiple of 7. 7 के हमें ये 5 पूरे odd multiples को find out करना है. So हम क्या करेंगे? We will now multiply it with odd numbers. First 5 odd numbers. ये क्या है? 1, 3, 5, 7, 9. The first 5 odd numbers. इनसे multiply करेंगे. 7 ones are 7. 7 threes are 21. 7 fives are 35. 7 sevens are 49. Sorry, let me write it correctly. 49, right? 7 sevens are 49. Clear? Now, here next we have 7 multiplied by 9. 7 nines are 63. So, these are the first 5 odd multiple of 7. Got it? अगर even पूछते तो किससे multiply करते? Yes, 2, 4, 6, 8, 10 से multiply करते. अगर even पूछता, odd पूछेगा तो 1, 3, 5, 7, 9 से करेंगे. Now, write the third multiple of 10. ठीक है? Third multiple अगर निकालना है, तो क्या करेंगे? 10 multiplied by 3, that is 30. अगर बोलता, write first 3 multiple of 10, तो क्या करते हम? 10 multiplied by 1, 10 multiplied by 2, 10 multiplied by 3. So, 10, 20, 30, ये सारे numbers हो जाते हैं. अगर first 3 बोलता, अगर 1 बोल रहा है, तो हम ऐसे करेंगे. Clear? Now, how to find the HCF? HCF कैसे find out करते हैं? ठीक है? We can use the prime factorization method. We can use finding all the method, any method you want. Like for example, अगर आपको question आता है HCF और LCM का, अपनी copy आपको लेके बैठनी होगी, फटाफट question को solve करना होगा and जो answer आएगा उसमें आपको tick करना होगा. Got it? Rough copy जरूर रखना maths के paper में. Clear? Now, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ 12, यहाँ 18. ठीक है? अब 12 2 की table से divide होगा, how many times? 2, 6 है. ठीक है? Then 2, 3 है. Right? 3, 1. Now, अब 18 को करेंगे. 2, 9 जा. 3, 3 जा. 3, 1 जा. अब 12 and 18 के सारे factors को लिखो. 2 multiply by 2 multiply by 3 and here 2 multiply by 3 multiply by 3. क्या-क्या common है? 2 and 3. Yes? So, HCF will be, HCF is 2 multiply by 3, that is 6. We got 6 as an answer. दोनों ही 6 की table में आते हैं 12 और 18, right? So we got the answer. आप इसको tick कर दोगे. Find the LCM. Same way, आप copy में फटाफट solve करोगे and then put a tick mark. LCM कैसे निकालोगे? आपकी मर्जी, आप कोई भी method use कर सकते हो. I am using this short division method. ठीक है? So पहले 2 से divide करेंगे. 2 tens are. Now again, 65 is not divisible, so ऐसे लिखेंगे. Again, 2 5s are and then 65, right? अब ये 5 की table से जाएगा, 5 1s are, 5 1s are, 5 3s are. Now it is divisible by 13, right? So 1 and 1 then. LCM निकालने के लिए क्या करना होता है? इन्हें multiply. अब इन numbers को multiply करेंगे, जो भी आया वो answer होगा. And then you have to put the tick mark. सही option पे tick कर देंगे, right? Now let's multiply. 2 2s are 4, 4 5s are, yes, 4 5s are 20, 20 multiply by 13, 3 0s are 0, 3 2s are 6, 1 0s are 0, 2 1s are 2, so that is 260. We got it? Okay. Now students, concentrate here. You need to revise enrichment activity, you need to revise properties of multiplication, addition, subtraction, whatever is in your book. See the fill in the blanks, jo bhi aapke book mein diya hai. Word problems dekh lo, mental maths dekh lo, checkpoint dekh lo. Ye saari cheeze aapko zarur dekhni hai and revise karna hai, right? So you need to do all these things and revise. I hope some of your doubts must be clear right now. Clear? So please students, just do proper revision. Alright?
and then you can score good marks. All the best, and don't forget to keep one notebook with you during maths test. जब मैथ्स टेस्ट हो रहा होगा फटाफट आप सॉल्व करोगे एंड देन टिक करोगे, राइट? गॉट इट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. टेक केयर. जय हिंद. बाय बाय.